नमस्कार रजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में। शुक्रिया समय निकालने के जी लिए। नमस्कार, और आपने बुलाया, शुक्रिया। अरे आप आ गई, आपने कितनी जल्दी टाइम निकाल लिया, दैट इज वेरी प्रेशियस फॉर मी। तो रजिया जी, बचपन से आपकी पहली याददाश्त क्या होगी, अहिंसा के अनुभव या उसके आदर्श, दोनों में से किसी के भी बारे में? इसमें मैं जहां से आती हूँ वो महाराष्ट्र का एक बहुत छोटा सा गांव है, जहां हमारा परिवार खेती करता है। जहां तो करीब 700 घरों की बस्ती थी। ऐसे गांव से मैं आती हूँ और किसान परिवार से, तो जो हमारे परिवारों से हमें मिलते हैं कुछ सोच, उसमें मुझे अहिंसा को लेकर जो याद आता है, तो परिवारों में अहिंसा के संस्कार करना, ये एक ऐसा हिस्सा होता था कि जो परिवार का होता ही था अनिवार्य रूप से। तो इसलिए जो अहिंसा की बातें मैंने सीखी अपने परिवार में, अपने बचपन में, तो जैसे माँ ये कहती थी कि यह घर की महिलाएं, सिर्फ माँ नहीं, दादर की महिलाएं, किसी के साथ पहले ये सोचो कि जैसे हमारी जान है वैसे ही उनकी भी जान है, और हमें दूसरों के साथ बुरा करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि वो हमारे ही जैसे इंसान है। तो ये जो बातों बातों में महिलाओं की तरफ से एक आता था, दादी है, माँ है या घर की महिला है, तो दूसरों का बुरा करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो भी इंसान है और हमारे जैसे इंसान है। तो ये एक बहुत गहराई से पूरी जिंदगी भर याद रहने वाली चीज जो है वो परिवार में मिली। दूसरा, मुझे जो कुरान शरीफ सिखाने के लिए हमारे गांव के जो मौलाना थे वो आते थे, वो वैसे ट्रेडिशनल मौलाना नहीं थे, लेकिन वो बहुत जिसको हम कहेंगे कि मजहब के बारे में जानकारी रखने वाले थे, और उनको अरेबिक भी आता था, तो वो कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आते थे। तो मुझे आज तक वो हमेशा जिंदगी भर जो याद रहेगा वो कि उन्होंने शुरू करने से पहले मुझे ये कहा कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। तो ये पहले मेरे बचपन में मैंने किन से सुना, तो जो मुझे कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आते थे उन मौलाना से सुना। तो ये जो है कि हम सब जो है इंसान है, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, पूरा सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरह की बातें संस्कारों में तो सिखाई जाती थी कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी गलत है, गुनाह है ऐसे। और जब बचपन में ही जो कहानियां सुनाई जाती थी बचपन में, उसमें से भी ये मिलता था, तो उस तरह से अहिंसा जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ये मजहब के नाम से भी कहा जाता था, और ये गांव में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि एक मजहब के लोग तो नहीं थे गांव में, अलग अलग मजहब के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, तो इसमें एक दूसरे के प्रति बर्ताव में हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये हमको परिवार से मिला अहिंसा के बारे में जो है, कि अहिंसा का पहला मूल्य जो मिला वो इस तरह से मिला, फिर वो मजहब से मिला, परिवार से मिला, और गांव में लोगों के साथ रहते थे उनसे मिला। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरह से। बहुत बढ़िया। आपके पिताजी भी गांधीयन वर्कर रहे, मुझे जहां तक पता है अब्दुल रहमान पटेल जी आपके पिताजी थे, और वो क्या बचपन से गांधीयन वर्कर रहे, और उसका आप, उनके ये रोल में होने का आपके जीवन में क्या असर पड़ा? उनका बहुत गहरा असर मेरे पूरे सामाजिक और राजनीतिक मेरी जो जिंदगी है, जो ये सफर रहा, उसमें उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। मेरे पिताजी गांव से पढ़ने के लिए आए, एग्रीकल्चर में उन्होंने डिग्री ली उनकी, और वो पुणे आए थे पढ़ने के लिए।
तब जो गांधी जी के मूवमेंट्स चल रहे थे और उसमें जो स्टूडेंट्स भी शामिल होते थे, तो पिकेटिंग में वगैरह जो है मेरे पिताजी शामिल रहे तब। तो वो यहाँ पूना पढ़ने के लिए आए, तब उन्होंने मतलब गांधी जी के आंदोलन से उनका संबंध तब आया, और वो गांधी विचार जो थे वो पूरी तरह से उन विचारों से वो प्रभावित हुए। और मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे पिताजी पढ़ने के लिए आए और गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए, थोड़ा सा ही सही लेकिन वो शामिल हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जिस गांव से आती हूँ वो किसानों का गांव है, और मेरे रिश्तेदार जो है सभी वो किसानी करते हैं, तो वो लोग गांधी टोपी पहनते थे, जो आज हम मुस्लिम आइडेंटिटी की निशानी मानते हैं स्कल कैप, वो कोई नहीं वहां पहनता था, वो सारे गांधी टोपी पहनते थे। तो मुझे ये लगता है कि क्या था गांधी में ऐसा कि जो 700 घरों के गांव में, जिसमें सिर्फ 700 घरों की बस्ती है, ऐसे गांव में गांधी पहुंच गया था, जिस गांव का नाम भी किसी को नहीं पता था। तो ये नहीं कि मेरे पिताजी गांधी मूल्य लाए, इतना ही नहीं, मैं देखती थी कि मेरे गांव में सभी गांधी टोपी पहनते थे। तो ये, या मेरी दादी जो कभी गांव छोड़ के नहीं गई, तो कभी नमक हमारे हाथ से गिरता था तो वो ये कहती थी कि नमक मत गिराओ, गांधी बाबा ने उसके लिए बहुत डंडे खाए हैं। तो ये गांधी मेरी दादी तक भी पहुंच गया था, ये जरूरी ही नहीं था कि हम गांव से बाहर निकल के ही गांधी को जाने। तो ये मेरे परिवार में या मेरे बचपन में, हम जब, एक तो मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं थी, मेरे पिताजी ने हमें स्कूल में, लड़कियों को स्कूल में भेजा, और लड़कियों को स्कूल में भेजा उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं था, हमें मराठी मीडियम स्कूल में उन्होंने भेजा। और वहाँ मराठी मीडियम स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे वहाँ, तो हमको जब स्कूल में जैसे गांधी जयंती आई, तो मेरी बड़ी दीदी जो है उन्होंने एक नोटबुक बनाया था जिसमें अखबारों में अगर गांधी जी के बारे में कुछ भी आता है तो वो उसको नोटबुक में चिपकाती थी पेपर कटिंग करके। तो ऐसा एक बड़ा सा नोटबुक था। हमें क्या पढ़ना चाहिए ये घर के लोग सोचते थे। तो मुझे याद है कि गांधी जी की सचित्र किताब जो है, एक वो किताब जो पूरे चित्रों के साथ गांधी जी की पूरी जिंदगी के बारे में बात करती, वो मेरे चाचा मेरे लिए खरीद के लाए। तो ये जो है कि गांधी जी, वो गांधी जी नहीं, गांधी जी हमारे अपने गांधी जी, और उनको हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये जो है पूरे परिवार से मिला, सिर्फ पिताजी से नहीं। लेकिन मेरे पिताजी का ये हुआ कि मेरे पिताजी, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, यहाँ से वो डिग्री लेकर गए पूना से, तो बाहर की दुनिया उन्होंने देखी थी, तो उनकी सोच जो है वो बहुत उदारता वाली सोच बनी थी और इंसानियत वाली सोच। तो मेरे पिताजी का प्रभाव मुझ पर ऐसे पड़ा कि उनके बारे में गांव वालों को बहुत रिस्पेक्ट था मेरे पिताजी के बारे में, और वो मेरे पिताजी को बाबा ही कहते थे। बाबा का मतलब होता है पिता, पिता ही कहते थे गांव के लोग। तो कि मुझे वो बहुत कुतूहल था कि मेरे पिताजी के बारे में इतना रिस्पेक्ट क्यों है। जैसे घर, किसी के घर में बंटवारा हो रहा है दो भाइयों के बीच, तो वो कहते थे रहीम बाबा को ही बुलाइए, क्योंकि रहीम बाबा इंसाफ करेंगे ही करेंगे। तो ये जो मेरे पिताजी के बारे में इतना रिस्पेक्ट और इतना विश्वास क्यों है, ऐसा मुझे लगता था। तो वो उसमें ये था कि मेरे पिताजी ने डिग्री तो ली, लेकिन उन्होंने क्लास 1 ऑफिसर के जॉब को ठुकरा दिया कि मेरे मेरे अगर एग्रीकल्चरल डिग्री का इस्तेमाल या फायदा, मेरे उपयोग मेरे गांव वालों को नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने वो गांव से बाहर गए नहीं अच्छी नौकरी पाने के लिए, और उन्होंने गांव, क्योंकि पूरा किसान था,
तो फिर उन्होंने सबको अच्छी सलाह देना, जो बोल जिसमें उन्होंने डिग्री ली थी वो सलाह देना, गांव के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफी काम किया। वहां स्कूल हाई स्कूल नहीं था, वो खुलवाया। तो ये जो है, ये रिस्पेक्ट क्यों है, ये जब मैं देखती थी मेरे पिताजी को, तो वो मुझे नजर आता था कि उनका सिर्फ मैं फला मजहब का हूं, इससे ऊपर उनकी आइडेंटिटी थी कि मैं तो एक मुसलमान हूं, इससे मैं इस गांव का हूं, इसलिए गांव वालों का मैं मुझ पर हक है, मेरे नॉलेज पर गांव वालों का हक है। ये जो उनका था, ये इस गांव के बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए, इस गांव के बच्चे, तो ये गांधियन वैल्यूज से आया था कि मैं मेरा गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये जो गांधियन वैल्यूज से उनके पास आया था, तो वो सैक्रिफाइस उन्होंने जो किया इसके बारे में, और गांव से वो जो प्यार करते थे, तो वो उसका रिस्पेक्ट। और दूसरा मुझ पर ये प्रभाव पड़ा मेरे पिताजी का कि जो सांस्कृतिक एकता है, कल्चरल जिसको हम गांव का जो कल्चर है या मजहबों का कल्चर है, जैसे ईद तो हम मनाते ही थे, लेकिन दशहरे के दिन मेरे पिताजी वो जो पत्ते होते हैं, हम उसको हम मराठी में आपटे अच्छी पानो बोलते हैं, वो पत्ते बांटते हैं ना दशहरे के दिन, जी वो एक बिल्कुल पॉल में लेके बैठते, हाँ, और फिर पेपरमिंट की गोलियां लेके बैठते थे और कुछ कॉइन्स लेके बैठते थे। तो जैसे बड़े आएंगे उनसे मिलने के लिए तो वो उनको पत्ते देंगे, छोटे बच्चे आएंगे तो वो उनको पैसे और पेपरमिंट की गोलियां देंगे। तो हर दशहरे को हमने ये देखा कि हमारे घर में पूरे गांव के लोग आकर उनको कुछ जो छोटे थे वो पैर छू कर जाते थे उनके। दिवाली, गणेशोत्सव, तो ईद के साथ साथ, मतलब उन्होंने ये सिखाया कि नफरत तो होनी ही नहीं चाहिए, या ये भी नहीं, ये तो उनका है, ये तो हमारा है, ये भाषा ही नहीं आनी चाहिए कि हम तो ऐसे हैं, वे तो ऐसे हैं। तो गांव में हमने ये भाषा ही नहीं सुनी थी कभी कि ये लोग बिल्कुल तो ऐसे होते हैं, वो लोग तो वैसे होते हैं, ये भाषा हमने गांव में कभी सुनी ही नहीं। तो ये एक मेरे बचपन से मुझ पर जो प्रभाव पड़ा मेरे पिताजी की, ये जो आइडेंटिटी है पूरी, उस वो और इसलिए गांव के लोग हमसे भी प्यार करते थे क्योंकि हम रहीम बाबा के बच्चे हैं। तो ये जो था उनका कि पूरे गांव के लिए, वो एक मुझे लगा। दूसरा ये उन्होंने एक किया था कि हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक नोटबुक बनाई थी और उसमें हर धर्म के नीति वचन लिख के रखे थे, अच्छे, यीशु क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, तो नीति वचन उनके सारे लिखे हुए थे। और वो सारे बैर नहीं करना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए, इस तरह का जो था उनका। और देखी कही सुनी पे भरोसा मत करो, देखी पे भी भरोसा मत करो, अपनी बुद्धि पे भरो, ये महात्मा गौतम बुद्ध का जो था वचन वो। तो ये उन्होंने नोटबुक में तैयार करके, पूरे मेरे पास अभी भी वो नोटबुक्स है कि इन पे क्या संस्कार होने चाहिए बच्चों पर। तो ये था। फिर उसमें मुझे और सबसे ज्यादा बड़ा जो है उनका, जो मुझ पर प्रभाव पड़ा ऐसी उम्र में जब मैं किशोरावस्था में थी, इमरजेंसी के खिलाफ वो जिस तरह से लड़े वो मैंने देखा है। और उन्होंने, मतलब मुझे लड़ने की ताकत कहाँ से मिली, तो मैंने देखा था मेरे पिताजी को लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ते हुए। तो एक छोटे गांव में रहने वाला किसान परिवार से आने वाला इंसान किस तरह ये क्यों वो कर सके, क्योंकि ये जो है गांधियन मूल्य जो उन्होंने अपनाए थे, तो उन्होंने यही किया। उस वक्त मुझे याद है कि उन्होंने जनता दल की जब स्थापना की जयप्रकाश जी ने, तो वो जब चुनाव डिक्लेयर हुए तब वो गांव गांव में, आसपास के गांव गांव में प्रचार के लिए घूमे थे जनता दल के उम्मीदवारों के लिए। और मुझे ये भी याद है कि रात को 2-2.5 बजे तक जब वो रिजल्ट्स आ रहे थे, इमरजेंसी के बाद के जो चुनाव, तब हमारा घर जाग रहा था। तो ये मैंने देखा है। तो जो मैं मैंने जब ये सोचा कि मैं ना इंसाफी नहीं सहूंगी और मुझे तो बोलना ही बोलना है, भले ही मैं अकेली हूं, जो भी हो, लेकिन मैं लड़ूंगी,
नाइंसाफी के खिलाफ, ये मुझे मेरे पिताजी से मिला। मेरे पिताजी जो बातें सुनाते थे उसमें साने गुरु जी से वो मिले थे जब स्टूडेंट थे, वो भी बातें वो सुनाते थे। तो ये सारी चीजें जो है इनका मुझ पर बहुत असर पड़ा और इसके लिए मैं पूरी हाँ जी। तो फिर आप जब जेपी मूवमेंट से जुड़ी, ये इमरजेंसी के बाद में था कि इमरजेंसी से पहले भी आप जेपी आंदोलन में सक्रिय थी? मैं इमरजेंसी के बाद, क्योंकि मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तो मैं इमरजेंसी के बाद आई जी। तो जेपी आंदोलन में जाकर जब आपने वो पहली बार वो नारा सुना होगा, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, तो आपको वो कैसा, उसके साथ आपका क्या अनुभव था और इसको लागू करने में, इसको मतलब एक्चुअल एक्शन में लाने में क्या क्या कठिनाइयां भी आई? वहां जब मैं संघर्ष वाहिनी से जुड़ी, संघर्ष वाहिनी से जुड़ने से पहले भी जैसे मेरे पिताजी ने साधना साप्ताहिक हमारे लिए शुरू किया था, जो समाजवादी लोकशाही जनतांत्रिक समाजवाद जो है उस पर आधारित, उन विचारों पर सानी गुरु जी ने जिसको शुरू किया था, उसमें से मुझे पता चलता था कि युवा आंदोलन बहुत सारे चल रहे हैं देश में। तो वो युवा आंदोलनों के बारे में मैं पढ़ती रहती थी और मुझे लगा कि ये नाइंसाफी के खिलाफ की जो लड़ाई है उसमें सामूहिक रूप से उसमें जुड़ना चाहिए, सामूहिक रूप से लड़नी चाहिए। तो जब मैं संघर्ष वाहिनी में आई तो ये लड़ाइयां किस तरह की थी, ये लड़ाइयां जैसे आदिवासी जंगल जमीन का हमारा शिरपुर में आंदोलन चल रहा था संघर्ष वाहिनी का, या मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों में तुलसीवाड़ी को जब डिमोलिश किया गया तब जो आंदोलन चला, तब मुझे ये दिखाई दे रहा था इसमें कि हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथों में हथियार नहीं है, या हम गुस्सा भी नहीं हो रहे हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सच है और हम ये सच मनवा के रहेंगे और हमने देखा है, हमारी बुद्धि ने महसूस किया है कि ये सच है। तो ये इसलिए हमको इसके लिए जो लड़ना है तो हथियार लेके नहीं लड़ना है, तो सत्याग्रह के तरीके से संघर्ष वाहिनी के जो सारे आंदोलन थे वो सत्याग्रह के तरीके से हो रहे थे। और उसमें मैंने ये देखा कि तुलसीवाड़ी में जो देखा हमने कि जिस तरह से उस सवाल को शांतिमय तरीके से लड़ा गया, बोधगया का आंदोलन जो है, बोधगया के आंदोलन में तो साथियों ने लाठी डंडे ही नहीं झेले, सिर्फ एक साथी की तो मौत भी हुई। तो इतने दमन के बावजूद जो, क्योंकि जयप्रकाश जी जो बार बार बात कह रहे थे, अब मुझे लगता है कि गांधी जी ने जो साबित किया कि अहिंसात्मक आंदोलन किस तरह से सफल हो सकते हैं, उसी तरह से जयप्रकाश जी ने जो दूसरी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उसमें उनका नारा ही था कि शांतिमय संपूर्ण क्रांति के लिए संघर्ष वाहिनी, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। तो ये जगह जगह जो तरुणाई के युवकों के आंदोलन चले लेकिन वो अहिंसात्मक और सत्याग्रही तरीके से चले कि जो हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम इंसाफ तो लेंगे ही लेंगे लेकिन हम इस सामूहिक ताकत के बल पर और सत्याग्रह के बल पर लेंगे। पर तब तक नक्सलबारी हो चुका था और वो विचारधारा भी हमारे समाज में पूरी तरह से मौजूद थी, जिसमें जिसके कार्यकर्ता ये मानते थे, आज भी मानते हैं कि जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी हिंसा वाजिब होती है। हाँ, तो ये विचार भी आप लोगों के कार्य से ये विचारधारा जरूर टकराई होगी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो इसके होते हुए छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के साथियों ने कैसे अहिंसा के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। नहीं, ये तो तब बहुत ही चल रहा था और अभी भी वो तो विचारधारा है ही। अभी हमने देखा है तेलंगाना नक्सलबारी की बात आपने की, लेकिन अभी गढ़चिरौली में जो हुआ कल परसों, तो ये जो है कि हम ये देख रहे हैं कि हथियारों के साथ और हिंसा के साथ जो आंदोलन चले हैं उनको सफलता नहीं मिल पाई है, हम जो ये देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि शोषित कि हिंसा जायज कहना जो है, तो शोषित अगर हिंसा करेगा तो शोषणकारी जो ताकतें हैं
वो तो कई गुना ज्यादा हथियारों से लैस है। तो उसमें हमें हमारा आंदोलन अगर चलाना है और हासिल ही, जैसे बोधगया में हमने हासिल की ना, संघर्ष वाहिनी ने जमीन हासिल की, तो हाँ, तो ये जो है कि इसमें अगर दमनकारी जो है उसके आगे जिसका शोषण हो रहा है उसकी हिंसा का अगर हम समर्थन करें, तो गांधी जी की एक बात मुझे याद आती है। गांधी जी ने ये कहा था कि कई बार ऐसे लग सकता है कि तात्कालिक सफलता हिंसा से मिल गई, लेकिन उसके दीर्घकालीन परिणाम जो होते हैं, जैसे एक शायर ने ये कहा था पार्टीशन को लेके भारत के, कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ये जो है कि एक आपको लग सकता है कि इस हिंसा से हमारा दबाव बढ़ गया है, लेकिन वो तात्कालिक होता है। तो तब भी इसलिए संघर्ष वाहिनी के साथी जो है उनकी आस्था सत्याग्रह में अटूट रही, और हमने जो सिनेमा बंदी का सत्याग्रह किया तो हमने उसको उसी तरीके से किया, सत्याग्रह के तरीके से किया कि लोग हमको दबा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को वो इस तरह से सजाएं भी दे रहे हैं। तो यहाँ एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा रोकती हूँ। तो 1981 में आपकी जिंदगी में आई थिंक एक काफी बड़ा मोड़ आया जब जलगांव में एक फतवा जारी किया गया कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो सिनेमा नहीं देख सकती, और इसके खिलाफ आपने संघर्ष किया। तो अब इसके बारे में बताइए कि इस पूरे ये संघर्ष आपने फिर अहिंसात्मक तरीके से कैसे किया। इसमें जो है कि पहले तो लागू किया उन्होंने, देखिए हिंसा जो होती है वो केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। और इस तरह की हिंसा ये हुआ कि पहले तो ये कह देना कि मुस्लिम महिलाएं फिल्म नहीं देखेंगी, कौन तय कर रहा है? ये जो है कि ये फतवा जारी किया, ये एक कमिटी ने जारी किया मजहब के नाम पर, लेकिन वो मजहबी कमिटी तो नहीं थी वो इस तरह की, क्योंकि वो मजहब का गलत इस्तेमाल करके वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं फिल्म नहीं देखेंगी, और वो इंसल्टिंग था कि कोई बैठ के तय कर लेगा, हम तय करेंगे हमें देखना है कि नहीं, ये कोई तय कर लेना। ये इस बात से बहुत महिलाओं में गुस्सा भी था, मुस्लिम महिलाओं में, और उसके बाद भी महिलाएं इस ये फतवा निकलने के बाद भी महिलाएं फिल्म देखने गई कुछ महिलाएं, तो उन्होंने अनदेखा किया इस फतवे को, तो फिर वो उनको सामाजिक रूप से अपमानित किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि हम इस पर एक जुर्माना रखेंगे, अगर कोई महिला थिएटर में पकड़ी जाती है फिल्म देखते हुए तो उसको इतने 75 रुपए, फिर दूसरी बार भी पकड़ी गई तो 100 रुपए से ऊपर, या फिर तीसरी बार भी पकड़ी गई तो उसको हम सामाजिक तौर पे उसको अपमानित करेंगे, बाल काट दिए जाएंगे, या इस तरह का उन्होंने किया। तो और इसके लिए उन्होंने ना ऐसे आवारागर्दी करने वाले लड़कों को पकड़ा कि अपने मोहल्ले की कोई महिला फिल्म देखने के लिए थिएटर में आ रही है कि नहीं, इस पे आप ध्यान रखिए। और फिर वो लड़के ध्यान रखने लगे और फिर वो महिलाओं को पकड़ने लगे, और फिर इसमें ये हुआ कि संघर्ष वाहिनी की एक मीटिंग हमारी हुई जलगांव यूनिट की, उसमें चर्चा हुई कि इस तरह क्या ठीक है या ये जो चला रहे हैं मजहब के नाम पर। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया, सत्याग्रह का तरीका हमारा ये था कि हमने एक लंबा डिबेट चलाया पहले उस पर, और वो लंबा डिबेट वो कबीर जी और महिलाओं के बीच और कमिटी और संघर्ष वाहिनी के कुछ साथियों के बीच, और फिर उसमें लोग भी शामिल होते गए, और वो लंबा डिबेट अखबारों के जरिए चला, और उसमें ये चला कि उन्होंने जैसे ये कह दिया कि महिलाओं को बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए, फिल्म से अच्छे फिल्म कोई अच्छी चीज नहीं है, वो बच्चों पर संस्कार करती है, मतलब वो बच्चों को पालती है। तो महिलाओं का जवाब था कि पुरुष भी पाले, हमने कब मना किया है, क्यों? तो हम दे, फिर वो भी छोड़ दे, उन्होंने कहा कि आप भी छोड़ दीजिए, फिर आप भी बच्चों को पालिए और आप भी बच्चों पर संस्कार करिए। तो ये इस तरह के मैंने पहली बार सुना कि इतने लॉजिकल जवाब मुस्लिम महिलाएं जो दे रही है। तो मुझे तब ही समझ आया कि एक राजनीतिक समझ जो है, जिस कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ये तो पर्दे में है,
ये महिलाएं तो बहुत शोषित है, इनके मर्द तो इनको हमेशा दबा के रखते हैं। तो उन महिलाओं ने जिस तरह से सवाल जवाब किए उनसे, उन्होंने कहा कि बुरी चीज है, तो उन्होंने कहा कि देखिए फिल्में देखकर लड़कियों के पीछे सीटी बजाते हुए लड़के घूमते हैं, महिलाएं पुरुषों के पीछे सीटी बजाती नहीं घूमती फिल्में देखकर, तो आपको तो मर्दों को ये पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि गलत जो है फिल्मों से वो ये लेते हैं। तो आपको, और आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम ने क्या सिर्फ महिलाओं को बोला है मत देखिए, आप मुसलमान नहीं हो क्या? तो आप जब मजहब की दुहाई दे रहे हैं तो मजहब आपके लिए भी तो है। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम आंदोलन के लिए ये तैयार होती गई, पूरी जो हमारी ये बैकग्राउंड है उसमें उन्होंने ये कहा आखिर में महिलाओं ने, ये लोग क्या है, ये सिर्फ मुर्गियों को मारना जानते हैं, ये उन बिल्लों को नहीं मार सकते जिनके मुंह में खून लगा है। तो ये जो पूरी समझ उनकी थी। और फिर एक रेहाना नाम की एक महिला पर हमला कर दिया गया, उस पर और उसके पति पर, क्योंकि वो फिल्म देखने गए। तो फिर तब हमने तय किया कि हम सत्याग्रह करेंगे सिनेमा बंदी के खिलाफ। और इसमें हमारा ये था कि हम उनको दुश्मन नहीं मानते, जिस कमिटी ने ये किया है हम उनको दुश्मन नहीं मानते, हमारी उनके खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए है, हम नागरिक हैं और हमको मनोरंजन का हक है यहाँ, तय हम करेंगे, तय आप नहीं करेंगे। तो ये हमने कहा कि आपको हम दुश्मन मानते नहीं है, लेकिन हमारा हक है, हम लेकर ही रहेंगे। और फिर हम लोगों ने तय किया कि हम ये सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, और ये हम 8 मार्च को करेंगे, जो कि जागतिक महिला दिन है ये, और हम दुनिया की वैश्विक रूप से एक नाता जोड़ना चाहते हैं उन महिलाओं से भी, दुनिया भर की महिलाओं से जो अपने हक के लिए लड़ रही है। तो हमने 8 मार्च को ये सत्याग्रह किया, हमें बहुत धमकियां मिली, पथराव हुआ, और बहुत ही मतलब ये सत्याग्रह ये जो होता है अहिंसा, अहिंसात्मक आंदोलन, जब हाथ हमारा नहीं उठेगा हम कहते हैं, उसकी कीमत ये होती है कि आपको तकलीफ बहुत झेलनी पड़ती है। हाँ, और महिलाओं के बारे में तो ये होता है कि उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में ये एक हथियार बनाया जाता है कि ये क्या, कैसी लड़कियां हैं ये, कैसी महिलाएं हैं ये, और इस तरह का अपने ही समाज के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह का ये होता है। दूसरा ये होता है कि प्रशासनिक यंत्रणा ने भी हमको ही दबाने की कोशिश की थी, तब जब पुलिस अफसर हमें बार बार कह रहे थे कि ये मत करो, शहर की शांति भंग होगी, ये वो कह रहे थे ये मत करो, शहर की शांति भंग हो रही है। तो ये जो पूरा दबाव आता है आपको, ये सारा क्लेश जो है, आत्मक्लेश भी बहुत होता है ये सब, लेकिन ये एक ही बल पे हमने सहा, मुझे लगता है आज जब मैं इसको देखती हूँ कि हम ये सोच रहे थे हम जो कह रहे हैं वो सच है, और हम जो लड़ रहे हैं हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे। मतलब हम तो संवैधानिक हक के लिए ये लड़ाई हुई जी, तो, जी कि हमें हम तय करेंगे। हाँ जी, जी जी, तो ये जो आपने स्थापना की भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन एक समूह की, वो इसी से निकला कि वो आपका अलग अनुभव था? नहीं नहीं, इसमें जो है मैं जो ये मेरा पूरा काम जो चला है आज तक का जो सफर है उसमें मैं घर से निकली, एक मुस्लिम परिवार से निकली, और मैंने कुछ जुबानी तलाक के केसेस देखे थे, उसका भी असर था हाँ मेरे दिलो दिमाग पर। और दूसरा ये था कि मुस्लिम महिलाओं के जो जो भी केस घर के बाहर निकल के भी मैंने देखे, जुबानी तलाक का एक बहुत बड़ा इश्यू था वो था। तो इंसाफ की लड़ाई ये जो था मेरा कि नहीं मैं, मुझे इंसाफ के लिए और इक्वालिटी के लिए लड़ना है, तो ये मेरी प्रेरणा रही है। जो घर में मैंने कहा कि मेरे पिताजी से भी जो मुझे मिला तो वो मेरी प्रेरणा रही। और उसमें मुझे मुस्लिम महिलाओं का जब मैंने देखा कि उनकी आवाज जो है वो दब गई है, जो सिनेमाबंदी के आंदोलन में मैंने देखा कि महिलाएं किस तरह की बात कर रही है, तो वो मेरी प्रेरणा रही कि नहीं हमें
जो है हमारी आवाज हमारे हक के लिए उठानी पड़ेगी, हमारे शोषण के खिलाफ उठानी पड़ेगी। और सिनेमा बैन का जो सत्याग्रह था उसमें तो मुझे बहुत पूरी तरह से साफ हो गया कि संवैधानिक मूल्य जो है वो हमें हमारा हमारी जगह दिला सकते हैं, हमारा हम जो हक पाना चाहते हैं वो हमें मिल सकते हैं, वो संवैधानिक मूल्यों की अगर हम बात करेंगे तो उससे हो सकता है। तो इसलिए मैंने ना सिर्फ सिनेमा बैन सत्याग्रह, उसके बाद मैंने संघर्ष वाहिनी ने शाहबानो आंदोलन में बहुत काम किया। जी जी याद है मुझे। जी तो 82 के बाद हमने शाहबानो आंदोलन पर बहुत काम किया और उस वक्त मुझे याद है कि औरंगाबाद में मैं थी तब, और हमने एक कमेटी बनाई थी, सभी संगठनों को लेकर एक कमेटी बनाई थी कि शाहबानो को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन चला रहे थे, हम अखबारों में लिख रहे थे, हम मीटिंगें कर रहे थे, हम कुछ प्रोग्राम्स ले रहे थे। और वहां जो है एक मुस्लिम सुधारक, मुस्लिम सत्यशोधक के जो थे हुसैन जमादार, वो एक तलाक मुक्ति मोर्चा उन्होंने निकाला था और वो औरंगाबाद में भी आने वाला था, तो उस पर बेतहाशा पथराव हुआ और वहां के कलेक्टर ने बैन कर दिया उन लोगों को कि वो नहीं आ सकते। तब हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर की कि ये वो जो लोकतांत्रिक तरीके से मोर्चा आ रहा है उसको आप रोक रहे हैं और जो पथराव करने वाले गुंडे हैं उनको आप नहीं रोक रहे हैं। उसमें हम जीते, उस केस में हमने जीत हासिल की और उनको आने दिया गया और कलेक्टर का तबादला हुआ। तो ये शाहबानो का, लेकिन शाहबानो में हमें बहुत सेटबैक मिला क्योंकि ये कानून बदल दिया गया। तो हम जो लोग मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट है या मुस्लिम समाज सुधार की बात करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि महिला आंदोलन को भी। रजिया, मुझे याद है कि मतलब नॉन मुस्लिम जो महिला आंदोलनकारी समूह थे, हम सब ने कितनी बार सड़कों पे भी प्रदर्शन किए कि भाई जो उसका संवैधानिक हक है सिविल कोड के अंतर्गत, उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता। और वो जब कानून बना उसका भी हम सब ने विरोध किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, महिला आंदोलन को भी एक बहुत बड़ा झटका तब लगा था। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम महिलाओं के लिए इससे नहीं आती हूँ, मैं आती हूँ बहुत व्यापक आंदोलन से आती हूँ, जैसे संघर्ष वाहिनी। तो उसमें तो फिर भी उसमें संघर्ष वाहिनी के तहत हमने ये इश्यूज उठाए और उसमें फिर जब ये हुआ कि उसका तो हक छिन गया, सारी मुस्लिम महिलाओं का मेंटेनेंस का हक छिन गया उसमें, तो उससे ही बहुत बड़ा सेटबैक मिला। लेकिन मुझे तब ये लगा कि इसमें मुस्लिम महिलाएं क्या कहना चाहती है, ये आवाज तो कहीं सुनाई ही नहीं दी। और तब और संघर्ष वाहिनी में मैं फुल टाइमर थी, तो जाहिर है कि हमारे संघर्ष वाहिनी जैसे संगठनों के पास पैसों की दिक्कत होती थी, तो मुझे लगा कि मैं देश भर में घूमकर मुझे मुस्लिम महिलाओं क्या कहना चाहती है ये सुनना है। तब मैंने टाइम्स फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। और टाइम तो फिर तब मैंने 92 में टाइम्स फेलोशिप पे जो काम किया उसमें, उससे मुझे बहुत ही एक जिसको कहेंगे हम कि एक दृष्टि मिली, हाँ, मुस्लिम महिलाओं से मिलने के बाद। और मैं आपको बताऊं कि वो शाहबानो के, मुस्लिम महिलाओं ने शाहबानो के मामले पर तो कहा ही, दो तीन कमेंट आपको बताती हूँ। एक उन्होंने कहा कि कानून तो महिलाओं के लिए बनाया लेकिन हमसे तो पूछा ही नहीं। मुस्लिम महिलाएं ये कह रही थी कि कानून बना लिया लेकिन मुस्लिम महिलाओं से तो पूछा भी नहीं, ये करते वक्त तो गलत किया है। या उन्होंने ये कहा कि हमें तो सब कुछ बात पता चलती है, मर्दों के जरिए पता चलती है, तो वो तो इसे पर्सनल लॉ का मामला बता रहे थे। लेकिन कानून चाहे पर्सनल लॉ का हो चाहे इसका हो, लेकिन कानून का मतलब होता है इंसाफ। हम इंसाफ देने वाला कानून चाहते हैं, हम ना इंसाफी वाला कानून नहीं चाहते हैं। तो ये मुस्लिम महिलाओं की आवाज जो है ये एक मुझे मिली। दूसरा, हमारे यहाँ भारत में या हमारे देश में सब सिर्फ यही मानते हैं कि मुसलमान महिलाओं का सवाल सिर्फ पर्सनल लॉ, मुसलमान महिलाओं का सवाल सिर्फ तलाक,
लेकिन इन महिलाओं ने मुझे बताया कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, जिससे मेरे पूरे काम की डायरेक्शन बदली। इसके बाद तो वो ये था कि मुस्लिम महिलाओं के चार मुद्दे मेरे पूरे स्टडी से उभर कर सामने आए। उसमें सबसे पहला था अच्छी तालीम चाहते हैं, शिक्षा। दूसरा मुद्दा जो था प्रायोरिटी वाइज, जब मैंने एनालाइज किया तो उनका पहला मुद्दा था प्रायोरिटी वाइज अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, सुरक्षा। हम सुरक्षा चाहते हैं, महिला होने के नाते भी और माइनॉरिटी होने के नाते भी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद के जो दंगे हुए अगर देखे जाए तो उसमें मुस्लिम महिलाओं ने ये कहा कि हम कानून चाहते हैं हमारे लिए इंसाफ देने वाला, लेकिन हम टाडा पोटा जैसे कानून नहीं चाहते जो हमारे बच्चों को घर से उठा, मतलब वो इतनी ब्रॉडर लेवल में सोच रही थी। वो सिर्फ अपना नहीं सोच रही थी, वो समाज का भी सोच रही थी। तो सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, और फिर चौथा मुद्दा था कानून। लेकिन हम हमेशा पूरे देश में सभी आंदोलन ये मानते रहे कि मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा तो सिर्फ कानून है। तो वो जो मार्जिनलाइजेशन की बात कर रही थी, वो 86 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी सरकार के वक्त आई थी, उसमें साफ तरीके से आजादी के 40 साल बाद लिखा गया था कि रिलीजियस माइनॉरिटीज में सबसे पिछड़े रिलीजियस माइनॉरिटी जो है एजुकेशन में, वो मुसलमान है। तो ये है कि हमारे पास तो मेजरमेंट भी नहीं था, और 40 साल का बैकलॉग है इस कम्युनिटी का। तो वो महिलाएं इस बात को रख रही थी कि हम अच्छी तालीम चाहते हैं और हम सुरक्षितता चाहते हैं। तो ये मेरा जो पूरा चल रहा था, उसमें एक छोटा पड़ाव मेरा जो है वो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का आता है। लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, मैं फाउंडर मेंबर जरूर हूँ, लेकिन मुझे आंदोलन छोड़ना पड़ा। 1.5 साल बाद ही वो शुरू हो गया। उसमें ये विवाद चला कि स्क्रिप्चर्स आर नॉन निगोशिएबल, धर्म ग्रंथ जो है वो नॉन निगोशिएबल रहेंगे। हालांकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त मैंने बहुत ही बारीकी से ये डाला था कि हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, इन वैल्यूज के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और हम एनजीओ नहीं है, हम आंदोलन है रहेंगे। हाँ, ये सब मैंने फाउंडर मेंबर के तहत डाला, लेकिन उसमें कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, हम तो धर्म ग्रंथ नॉन निगोशिएबल मानेंगे। तो उसमें डिबेट ये चला, मैंने कहा कि रिलीजन इज मैटर ऑफ फेथ, हम हमारे मजहब को रिस्पेक्ट करेंगे, हम हमारे मजहब पे चलेंगे भी जरूर, हम हमारा फेथ भी है वो, लेकिन नॉन निगोशिएबल होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे आंदोलन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉन निगोशिएबल रहेगा, हमारे आंदोलन के लिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस नॉन निगोशिएबल रहेगा। हम मजहब नॉन निगोशिएबल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे मजहब है, हर मजहब अगर ये कहे नहीं, और तो मुझे और उसमें यह समस्या भी आती है ना कि एक धर्म के अंदर भी भाई उस मजहब का कौन सा पहलू जो है वो नॉन निगोशिएबल माना जाएगा। इंटरप्रिटेशन का मुद्दा आया ना, किसका इंटरप्रिटेशन का सवाल भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा कि आप फेथ उसको को कहिए। मैंने मेरे रेसिग्नेशन लेटर में भी ये लिखा कि मैं ये चाहती हूँ कि समझ, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो फिर मैं छोड़ती हूँ। लेकिन मुझे ये एहसास तब हो गया कि फंडामेंटलिज्म सिर्फ फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की तरफ से नहीं आएगा, वो एनजीओस की तरफ से भी आ सकता है, ये खतरा मुझे महसूस हुआ तब। और वो उसी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के ही कुछ साथी, ये जो ट्रिपल तलाक कानून लाने में अग्रेसर थे ना, ये जो अभी आया, इसमें ये बीएमए में ही तो आगे था ये लाने में कानून। तो जाहिर है कि लॉजिकल एंड उसका यही होना था। जब आप ये भूमिका लेते हो जी, तो अब कैसे है तो एक मैं थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी पोजीशन इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये जिस रूप में ये कानून आया ट्रिपल तलाक के खिलाफ, आपका उससे मतभेद है, ये थोड़ा सा अभी ये समझाइए कि, क्योंकि आप
बरसों से उस समस्या के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन इस कानून से आप खुश नहीं हैं, तो वो बताइए क्यों। हेलो जी, आई एम हियर, कनेक्शन है, मुझे आपके आवाज आ रही है, प्लीज गो अहेड। जी जी, मैंने ये जो कानून आया वो गलत तरीके से चलाए जाने वाली नीति के तहत ही आया, और एक फंडामेंटलिस्ट विचार दूसरे, मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट लाती है, ये कोई कोइंसिडेंस है नहीं। तो इसमें लोगों को ये लगा कि चलिए इसमें जुबानी तलाक की समस्या तो खत्म हो गई, अब आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम जो बरसों से मांग कर रहे थे, और मैं क्योंकि इस देश के फेमिनिस्ट मूवमेंट से भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम जो मांग कर रहे थे वो ये मांग कर रहे थे कि एक तो दो तीन अल्टरनेटिव हो सकते हैं, या तो रिफॉर्म्स विद इन द पर्सनल लॉ, ये नया कानून लाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात ये कि महिला आंदोलन की मांग, खासतौर से हम जो है मेरे जैसे लोग, मैं खास तौर से इस तरह की पोजिशन लेके बार बार बात कर रही थी कि हम जेंडर जस्ट लॉ चाहते हैं, भारत की सभी महिलाओं के लिए कोई धार्मिक भेदभाव ना करते हुए। आप ये रिलीजियस पर्सनल लॉस करने का कोई मतलब नहीं है, तो आपको, और महिलाओं को भी अगर हम देखें, मुस्लिम महिलाओं से भी अगर बात करें, तो इंसाफ वाले कानून की जब वो बात करती है तो रिलीजियस आइडेंटिटी तो बरकरार रहेगी, लेकिन कानून में हमें इंसाफ चाहिए। तो जेंडर जस्ट लॉ की बात करें कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय हो रहा है और भारत की बाकी सभी महिलाएं अन्याय से दूर है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है। तो महिलाओं को तो अलग अलग मत कीजिए इसमें, तो महिलाओं के इंसाफ की बात करके जेंडर जस्ट लॉ की बात आप कीजिए, ये हम बार बार रख रहे थे। इस कानून से क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ, इसमें पॉलिटिक्स है इस कानून का, ये कोई मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए लाया गया कानून नहीं है। ये जो ट्रिपल तलाक बैन वाला कानून जो है, वो कोई मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देने के लिए नहीं किया गया है, वो मुस्लिम समाज पर अटैक करने के लिए किया गया है। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं 40 साल से इस सवाल पे काम कर रही हूँ, हमेशा हिंदुत्ववादी फोर्सेस ने मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ का सवाल मुस्लिम समाज के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे पर्सनल लॉ है, जुबानी तलाक बंद हो, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले, ये इनकी डिमांड नहीं होती है, ये कहते हैं ये इस देश का कानून नहीं मानते, ये राष्ट्रद्रोही है। तो हमेशा मुस्लिम महिलाओं की तकलीफों को इन्होंने मुस्लिम समाज के खिलाफ इस्तेमाल किया, और इन्होंने ऐसा भी करने की कोशिश की कि एक वोट बैंक अब मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी के लिए तैयार होगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको कितना इंसाफ दिला दिया, इस तरह के वो स्टेटमेंट भी कर रहे थे। तो ये जो है कि इसकी राजनीति जो है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी सरकार इस तरह से मुसलमान महिलाओं को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कानून से ये हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि मुसीबतें मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा बढ़ गई। कैसे? क्योंकि अगर उसने तलाक कहा शौहर ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि जुबानी तलाक इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो कानून हो गया, तो फिर वो तलाक तो हुआ नहीं। लेकिन उसने तलाक तलाक कह दिया, इसलिए अगर बीवी पुलिस में जाती है तो पुलिस तो शौहर को पकड़ लेगी और 3 साल की सजा की बात करेगी। फिर इस महिला का ना तो तलाक हुआ है, ना वो दूसरी शादी कर सकती है, और ना जेल में जाने वाला शौहर उसको मेंटेनेंस देगा, और ना ही वो उसको तलाक देगा। फिर वो दूसरी शादी भी कर लेगा, क्योंकि पर्सनल लॉ तो अपनी जगह है ही, तो उसको तो दूसरी शादी करने का भी हक है। तो इस महिला का क्या होगा समाज में, क्या उसको रिश्तेदार एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसको शौहर फिर से एक्सेप्ट करेगा? तो ये जो है, उसको इंसाफ तो मिला नहीं, लेकिन उसको लटकता छोड़ दिया गया है। और बहुत सारे क्या होता है कि मुस्लिम महिलाओं के सवालों के बारे में जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस है उनमें गलत फहमियां बहुत है। बहुत सारे लोगों ने उसको वेलकम किया था इस कानून को, क्योंकि उनको लग रहा था कि जुबानी तलाक तो अब खत्म हो गया। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया था
कि जुबानी तलाक इलीगल है तो कानून की तो उस तरह से जरूरत नहीं थी इस तरह का कानून लाने की। वो ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाने के लिए, लेकिन कानून की मंशा क्या है ये अगर हम देखें तो वो मुस्लिम समाज के खिलाफ है, ये दिखाई देता है। तो रजिया जी, ये जो अगर हम ये देखेंगे पिछले 10-15 साल में, क्या आपको लगता है कि हिंसा एक व्यापक संदर्भ में पूरे समाज में कई लोग मानते हैं कि हिंसा बढ़ी है, और ये पिछले 7-8 साल में तो देखने में आ रहा है कि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम वायलेंस, मतलब कहीं भी किसी भी के व्यक्ति के साथ हिंसा हो जाना उसके धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर, तो ये इस सब प्रक्रिया के कारण क्या जो मुस्लिम समाज में महिलाओं के हकों का जो संघर्ष है वो और मुश्किल हुआ होगा, मैं ऐसा समझती हूँ, पर इस पे आप बताइए कि मतलब क्योंकि अगर एक समाज की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो क्या वो महिलाओं के संघर्ष में और बाधा बनी है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं से इस दौरान खासतौर से ये जो हिंसा बढ़ी है समाज के खिलाफ, तो मुस्लिम महिलाओं से अगर आप बात करेंगे कानून की, तो मुझे जो जवाब मिला वो ये मिला, समाज नहीं बचेगा तो हम कानून लेकर क्या करेंगे आपका। तो अपने आप ही महिलाओं के हक का जो सवाल है, महिलाएं अपने इंसाफ की मांग करने से पीछे हट जाती है, क्योंकि समाज ही नहीं बचेगा, समाज पर हमले हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे। हाँ, तो क्योंकि देखिए ये लोग जो एक तस्वीर बनाते हैं ना कि मुस्लिम मर्द अगेंस्ट मुस्लिम महिलाएं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा किसी भी समाज में नहीं होता कि हमारे समाज के मर्द और हम दुश्मनी है आपस में। लेकिन ये जो ऐसे पिक्चर बनाया जाता है ना कि वो मुस्लिम मर्दों के खिलाफ लड़ रही है, वो तो ना इंसाफी के खिलाफ लड़ रही है, वो मर्दों के खिलाफ तो नहीं लड़ रही। और फिर मर्द कौन होंगे, उनके ही बेटे, उनके ही भाई, उनके ही पिता। तो जब ये मारे जा रहे हैं कोई आइसोलेशन में कैसे मांग कर सकता है कि हमें तो हमारे हक दे दो, हमें तो हमारा सब कुछ दे दो और हमें मर्दों की कुछ पड़ी नहीं है। तो जब पूरे समाज पर और मुस्लिम समाज पर खासतौर से जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, तो वो उसमें ये सवाल मुस्लिम महिलाओं का जो एजेंडा है वो पीछे चला गया है, बहुत पीछे। जैसे शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और कानून, ये जो उनका एजेंडा है ये पूरे समाज के लिए है, ये पीछे चला गया। जी, और वो ना सिर्फ बाहर का फंडामेंटलिज्म लेकिन अंदर के फंडामेंटलिज्म। क्या हो जाता है कि जब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है तो घेटोज में जब समाज चले जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने वाले फिर इधर के फंडामेंटलिस्ट होते हैं। तो दोनों तरफ से। लेकिन इसको हम अगर एक दूसरी तरह से भी देखें कि पूरे समाज में भी तो हिंसा बढ़ी है। मैं मुस्लिम समाज के सामने एक विशेष समस्या है, लेकिन जो बाकी समाज में हिंसा का वातावरण बढ़ा है वो आप उसको कैसे देख रही हैं? क्योंकि अब जैसे कई लोग पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं और कई लोगों से पूछते हैं कि भाई शांति सेना का क्या हुआ, गांधीयन शांति सेना ने क्यों मैदान छोड़ दिया, और क्या वो एक एस्पेक्ट है जिसके कारण समाज आज इस लेवल पे आ गया। एक तो ये नजरिया है, और दूसरा नजरिया जैसे संदीप पांडे जी ने कहा उनकी अहिंसा कॉन्वर्सेशन में, उनका थोड़ा विपरीत, उन्होंने कहा हाँ हिंसा तो सामने दिख रहा है कि उसकी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन संदीप का दावा है और ऐसे कई लोगों ने ये कहा है इस सीरीज में कि भाई व्यापक समाज आज भी हिंसा के विरोध में है। तो ये जो है ये पूरा एक एक मतलब विडंबना है ये कि सच क्या है, क्या, और ये भी हो सकता है कि ये सभी कुछ सच है।
नहीं, मैं इसको दो तरीकों से देखती हूँ। एक तो एक होता है शारीरिक हिंसा, जो मैंने कहा कि हमला कर देंगे। दूसरा होता है वैचारिक हिंसा, तो वो हमला नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके दिमागों में हिंसा चल रही है। तो ये मुझे दिखाई देता है कि पूरे समाज में आप जो कह रहे हैं इस तरह से हिंसा प्रकट रूप में भी दिखाई देती है और इस तरह से दिमाग में भी दिखाई देती है। लेकिन उसमें मुझे ये लगता है आज भी मुझे अगर उम्मीद है तो वो महिला नेतृत्व अगर आगे आता है तो उससे ज्यादा है। क्योंकि देखिए इसमें ये जो चल रहा है कि हमले हो रहे हैं, उसमें पहली बात जो मैंने कहा कि मैं दो बात देख रही हूँ, उसमें एक तो ये कि हम लोग जो इंसानी अधिकार और लोकतंत्र और समानता और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों का एक बड़ा बहुत गैप मुझे जो दिखाई देता है रचनात्मक कामों में कम हो गए हम लोग, जो लोगों के दिलो दिमाग तैयार करने पड़ते हैं ना। तो जो जयप्रकाश जी ने भी कहा था, जो गांधी जी ने भी कहा था कि लोगों के आम लोगों तक जाके जो दिलो दिमाग उनके तैयार करने पड़ते हैं, उसमें मुझे लगता है कि कहीं कमी आई। रचनात्मक काम बहुत कम हुए, लोगों के साथ जुड़कर वहां आंदोलनों में तो हम रहे। और दूसरी बात यह है कि आंदोलनों का एनजीओआइजेशन भी बहुत हुआ। तो एनजीओआइजेशन में क्या हुआ कि उनके तो तयशुदा एजेंडे हैं, उनके तो तयशुदा मुद्दे हैं। राजनीतिक इस तरह के आंदोलनों की जो एक पूरी नजर होती है, जो एक विजन होता है, वो तो छूट गया। टिकमार के काम हम करते रहे, उसमें लोगों के दिलो दिमाग तैयार करने की जो बात है, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं कमी आ गई। और दूसरा मुद्दा मुझे लगता है कि आज भी अगर महिलाएं नेतृत्व में आएंगी, क्योंकि देखिए मैं मुस्लिम महिलाओं से भी मिली जगह जगह पर, दलित महिलाओं से भी मिली, आम महिलाओं से भी मिली, वो ये कहते हैं, जैसे मुस्लिम महिला के शब्दों में मैं कहूं अगर, मैंने उनको पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है, जनरल सा सवाल था, और आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है। इसमें 80% से ऊपर महिलाओं ने जवाब ये दिया कि जब दो समाज मिलजुल के रहते हैं और जब शांति रहती है तब हम खुश होते हैं। क्योंकि ये बाबरी मस्जिद के बाद वाली इसकी मैं इंटरव्यूज आपको बता रही हूँ, जब समाज लड़ते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। क्यों? अगर समाज लड़ते रहेंगे तो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। हाँ, हमारे बच्चों को कल देखना है, हमारे बच्चों को खुशी देखनी है, तो हमको अमन चाहिए, हमको आपस की लड़ाइयां नहीं चाहिए। तो ये जो है हर हर माँ ने, हर महिला ने जिस तरह की ये बात कही कि ये जो है अमन आना चाहिए, दो समाजों ने मिलजुल के रहना चाहिए, तो ये उन ये जो वो सोचती है, तो इसके लिए अगर कोई रास्ता मिले तो वो इसके लिए बाहर आ सकती है। जैसे औरंगाबाद में दंगा हुआ था, तब सभी समाज की महिलाएं हम जाकर क्यों नहीं हम एक चौक में बैठे कि बस अब ये बंद कीजिए, सभी समाज की महिलाएं आकर। तो इस तरह की पहल जो है मैं ये देख रही हूँ। यह शाहीन बाग का आप अगर आंदोलन देखेंगे, सबसे बड़ा उदाहरण है वो अहिंसात्मक सत्याग्रह का। तो ये महिलाओं ने किया, वो आके बैठी वहां और वो उनको भी इसी तरह की तकलीफ दी गई। बिरयानी खाते हैं ऐसी महिलाएं हैं, वैसी महिलाएं हैं। और ये इन महिलाओं से जब हमारे गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया, वो खुद चल पड़ी कि हम आते हैं आपसे मिलने, तो बैरिकेड्स लगा दिए। इतना डर, इन महिलाओं के हाथों में हथियार भी नहीं थे, फिर भी जो एक ताकत इससे बनी। तो मुझे जरूर ये महिलाओं से जब मैं बात करती हूँ तब मुझे ये लगता है कि अगर सही मायनों में महिला नेतृत्व अगर आगे आता है सही दिशा में, मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं बाधित नहीं हुई हैं इस फंडामेंटल सोच से, महिलाओं में भी हमको दिखाई देता है कि इस तरह के विचार है, लेकिन अगर महिला नेतृत्व आगे आता है तो शाहीन बाग ने तो हमें एक उदाहरण दे ही दिया है कि महिलाएं अगर आगे आके बात करेंगी तो ये समाज में हिंसा हमें दिखाई दे रही है आज।
लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं एक उदाहरण मेरी माँ का देना चाहती हूँ हाँ हाँ इस जरूर। हिंसा के लिए। मेरी माँ जब 92 में मुंबई में दंगे हुए तो मैं बहुत निराश होकर गांव लौट गई थी कि क्या ये क्या हो रहा है, हम किस लिए आंदोलनों में निकले, हम किस लिए घरों को छोड़कर निकले और ये क्या हो रहा है। तो मेरी माँ जो नहीं चाहती थी कि मैं आंदोलन में जाऊं, वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें जाना चाहिए, अब घर में नहीं बैठना चाहिए। तो वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी 100 लोगों ने मारा होगा लेकिन कोई 2 जरूर ऐसे निकलेंगे कि जिन्होंने बचाया होगा, तुम उनको ढूंढो। 2 लोग तो जरूर ऐसे होंगे जिन, तो उनका जो भरोसा है ना इंसानियत पर कि हो सकता है 100 लोग, जो ये विजडम है महिलाओं का कि अच्छाई को ढूंढने का, कि 2 तो होंगे ऐसे जिन्होंने बचाया भी होगा तो तुम उनके लिए जाओ, तुम अब घर में मत बैठो। तो ये महिलाओं का जो विजडम है या उनका जो देखने का नजरिया है, ये तो मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें गंभीरता से देखना चाहिए। तो समापन के तौर पर आप यंगस्टर्स को क्या प्रेरणा देंगी? आपके अपने अनुभव से, आपने इतने संघर्ष और इतने दृढ़ता से आप कार्यशील रही हैं, और आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारे नौजवान ये अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कभी-कभी लगता है कि ये अहिंसा का मार्ग बड़ा कठिन है। तो वो क्या अपने भीतर वो क्या ताकतें बना सकते हैं और कैसे? तो आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? हाँ, इसमें मैं तो बहुत बार यहाँ कॉलेजेस में और बहुत युवा संगठनाओं में मैं जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस बात की कि ये शेयरिंग कि आपके वक्त में आपने इस तरह की हिंसा से आप कैसे लड़े, तो ये होती है तब एक पॉजिटिव माहौल बनता है, ये मैंने देखा है उसमें। दूसरा मुझे ये लगता है इसमें कि बीच में कुछ वो एक फिल्म आई थी गांधी जी पर, मुन्ना भाई वाली कोई, जी वो नौजवान बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया था कि जो हम पर जुल्म कर रहा है उसको हम एक गुलाब का फूल दे देंगे, हम उसको उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, गालियां नहीं देंगे, ये इस तरह का। लेकिन और एक चीज थी जो तरुणाई में होती है, हर चीज को वो जिस तरह से लेते हैं, जैसे हम आंदोलनों में थे, पुलिस लाठी मार कर रही है लेकिन हमारा नारा था नामांतर का आंदोलन वगैरह जो हुआ महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, उसके लिए जो आंदोलन चला, तो संघर्ष वाहिनी भी उसमें शामिल थी। तो पुलिस लाठी मार कर रही है लेकिन हमारा नारा था कि पुलिस हमारे भाई है, उनसे नहीं लड़ाई है। तो हम हमारा हक तो जरूर लेंगे लेकिन हम अहिंसक तरीके से आपसे 2 हाथ करके नहीं लेंगे, ये एक बात। दूसरी बात ये कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका मूल कारण क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी नए संदर्भ में समझाना, जैसे गांधी जी ये कहते हैं कि आज के तंत्र ज्ञान में भी हिंसा है, हम हिंसा करते हैं सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, हम सृष्टि से भी हिंसा कर रहे हैं। तो जो आज ये आज की शिक्षा व्यवस्था और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी तो उनके साथ हिंसा की है, तो इसके साथ कैसे लड़ा जा सकता है। और दूसरा मैं ये देख रही हूँ जैसे दिशा सालियन जैसे लोग, पर्यावरण या ग्रेटा थनबर्ग पूरी दुनिया में जो उदाहरण है कि सृष्टि के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है, तो उनको एक ये लगता है कि ध्येय जिसको हम कहते हैं कि हेतु हम किसके लिए लड़े, तो वो बहुत अच्छी तरह से साफ होना चाहिए कि उनको किसके लिए लड़ना है। तो पहले तो उनसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि आज उनके साथ जो हिंसा हो रही है उसके कारण क्या है। तो ये मुझे लगता है कि उनको ये काम हमें करना पड़ेगा और हमें बहुत गंभीरता से अब करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है कि जो जो भी लोग गांधी को मानते हैं, जो जो भी लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मानते हैं, हमें नए सिरे से युवाओं तक, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये युवा जो है लापरवाह है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सही तरीके से उनके तक पहुंचने की जरूरत है और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण
हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ ही आप देख लीजिए कि एनआरसी से ही है कि खिलाफ जो आंदोलन चले उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जो है युवाओं की हुई है। और डर भी जो जो गिरफ्तारियां युवाओं की क्यों हुई, क्योंकि सत्ता को डर लगता है ज्यादा युवाओं की शक्ति से। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह से सोचकर युवाओं को अपनी समस्याओं को लेकर आगे आना चाहिए। और दूसरा ये जो है समाज को बदलने में भी उनकी जो भूमिका है वो निभानी चाहिए उनको। तो ये एक है। दूसरा मुझे एक ये लगता है कि इतिहास का गलत इंटरप्रिटेशन बहुत किया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि यंग जनरेशन में रिवेंज की, प्रतिशोध की भावना बहुत आती है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, अब हम उनके साथ ऐसा करेंगे, इस तरह का। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन जो है इतिहास का, उसके तरफ भी मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंड में आप कुछ और अगर कहना चाहें तो इन क्लोजिंग, अदरवाइज वी कैन क्लोज हियर। नहीं, मुझे ये लगता है, जी बोलिए ना। मुझे ये लगता है कि देखिए हमारे सामने बहुत चैलेंजेस आज खड़े हैं, और हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें मजहब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो मजहब को सही से ढंग से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मजहब क्या है, ये एक। और दूसरा, जो भी कुछ हो रहा है गलत, हमें एक लंबी लाइन उसके नीचे खींचने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये जो है इसमें लंबी लाइन, मतलब ये जो है कि उनसे ज्यादा हमें प्रभावी होना पड़ेगा, लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, मतलब हमें उनसे ज्यादा प्रभावी होना पड़ेगा। और ये काम हमको करना पड़ेगा, सबको साथ लेके करना पड़ेगा। भारत जैसे देश में जो है एकात्मता की बहुत बड़ी परंपरा है, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये जो युवाओं से बात करती हूँ उसमें कबीर साहब से लेकर, उससे भी पहले मधुरा भक्ति आंदोलन से लेकर, तो अब जैसे मैं उनको ये कहती हूँ कि उन्होंने जो मूल्य रखे, तो रहीम ये कहते हैं कि खर्च बढ़े उद्यम घट्यो, नृपति कठोर मन कीन। हमारा खर्च बढ़ गया है और रोजगार घट गया है, और राजा तो कठोर हो गया है, वो हमारी तरफ देखता ही नहीं। तो कहो रहीम कैसे जिए थोड़े जल की मीन। तो ये तो पॉलिटिकल कमेंट है पूरी तरह से, कि राजा किस तरह से होता है और प्रजा को किस तरह से होना चाहिए। या संत रविदास जो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, जब सब एक साथ बैठे हो तो मैं। तो ये जो मूल्य हमें हमारी विरासत में मिले हैं, वो मुझे लगता है उन तक हमें पहुंचाने पड़ेंगे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।